अरे डुगू उठ जाओ भाई। हाँ उठोगे नहीं क्या? मॉर्निंग मॉर्निंग, क्यों अभी तो मार्केट मॉर्निंग में कहाँ से मार्केट जाएंगे? हाँ मॉर्निंग में कहाँ से मार्केट जाएंगे? गुड मॉर्निंग। और मेरी बेबी को खांस हो गया। ओ जी मेरी चुगु को काची काची हो गई। मेरी चुगु पुगु को कैची है कैची है कैची है। गुड मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो ही इज माई सन। एंड ये भाई साहब रात को बड़ी मुश्किल से सोए थे। हाँ कितनी मुश्किल से सोए थे हैं? डिग्गी 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 डिग्गू टू बू टू बू टू बू टू बू। वेर इज मामा? वेर इज मामा? हाँ वेर इज मामा? वेर इज मामा टेल मी। वेर इज मामा? पूछ पूछ गई मम्मा तो ड्यूटी गए। चलो दूध पिए फटाफट से। चलो 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 दूध पिएंगे। चलो लेट्स गो। उसकी मम्मा खाना पूरा बना के चली गई है मेरे लिए और उसके लिए भी, तो इसको खाएंगे बाद में। चलो अभी फटाफट दूध गर्म कर लेते हैं। अच्छा मैं भी थोड़ा दूध पी लूंगा। ऑलराइट सो दूध गर्म हो गया तो फटाफट उसको उठाते हैं और उसको दूध पिलाते हैं। ये ऐसे लगाते हैं इसको पता है, और आपको ये भी नहीं करना आता। ब्रिंग ए पेन अगर। ऑलराइट गाइस सो मतलब मोस्टली काम हो गया है। अभी बस थोड़ा सा काम बचता है कि बस यहाँ से खाना खिलाना है। सब्जी तो बना के चली गई है मम्मा, एंड अभी रोटी बनाऊंगा, सब्जी को गर्म करके इसको खिला दूंगा। फिर इसको नहलाना है एंड देन हम जाएंगे स्कूल एंड इसको ड्रॉप करने के लिए। बट मैं देखूँ। हाँ किससे बातें कर रहे हैं पापा? तो चलो मैं फटाफट डायन से खाना बनाता हूँ एंड इसको खाना खिला के उसको स्कूल ड्रॉप करके आता हूँ। फिर हम अपना नॉर्मल काम करेंगे क्योंकि सुबह की मॉर्निंग आती है फुल बिजी और बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता खुद के लिए, अपने चीज़ों के लिए। से हाय। हाय चो बाय। आयाश वेयर आर यू? कम चो लेट्स हैव सम फूड। Go, go, sit, sit on the bed, sit on the bed, sit on the bed. Go, 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 go. All right, come here. Come, come to Papa. Come here. आप ही ओपन करो। मैं पापा वाली तो दूसरे को। चलो, चलो, sit, come. So, yes, where are you going? ओके आपकी मैम का नाम क्या है? है क्या नाम आपकी मैम का? बीजा मेहता। क्या नाम आपकी मैम का? बीजा मेहता। ना इनू। इनू मैम। यस चलो वेयर इज योर स्कूल? वेयर? नहीं मुझे नहीं दिखा। ओह वी आर बैक टू स्कूल।
वेरी गुड, कम। राइट गाइस, सो नहा धो के हो गए हैं रेडी, ऑफिस की मीटिंग सारी ख़त्म कर दी है, अब भी निकलते हैं। अब भी बज रहे हैं 12, एंड उसको पिक करना है, एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि है, जो बताया था मैंने जब मैं पहले गया था, वाइफ का लेना है लेंस, तब शॉप नहीं थी, अभी शॉप खुली मिल जाएगी, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आयांस को वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो जल्दी से सब ऑफ करते हैं, फटाफट निकलते हैं, और लेंस लेना ज़रूरी है यार उसके लिए बहुत, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो सिंपल यूज़ कर रही है और आईज़ के लिए ख़तरनाक है वो। सब चीज़ें चेक कर लेता हूँ, सब ऑन ऑफ है कि नहीं है, सब ठीक है। चलो तो भाई, जब वाइफ वर्किंग होती है ना तो पीछे बहुत सारे काम हो जाते हैं। अभी उठाए मैंने प्रेस के कपड़े, वाइफ के जो प्रेस होते हैं, क्योंकि हम तो भाई वेले आदमी हैं, हम तो कुछ नहीं पहने रहते हैं, दो कच्छ में पूरा लॉकडाउन निकाल दिए, तो ये बात है। अभी निकलते हैं फटाफट से लेंस के लिए। तो भाई लोग, आपसे एक बात करनी थी। तो ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमने इस चैनल का नाम वर्किंग शॉल्स क्यों रखा, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम वर्किंग शॉल्स रखा। एंड इसमें हम अपनी अपनी लाइफ दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हम अपनी लाइफ जीते हैं, किस तरह से मैं पीछे से एक बच्चे का ध्यान रखता हूँ, अपने बच्चे को कैसे, मतलब डेली रूटीन उसका कि किस तरह से वो करता हूँ, एंड देन हमारी कैसी लाइफ है, वो सब लाइफ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये आपको बताना था। तो हाँ, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, देखते हैं क्या जर्नी कैसी रहती है। सो लेट्स सी, थैंक यू सो मच। और ये जो व्लॉगिंग का आइडिया था, ये मेरी वाइफ ने दिया है, मैंने उसको बताया नहीं है कि मैंने स्टार्ट कर दिया उसके कहने पर। तो लेट्स सी उसका रिएक्शन क्या रहेगा जब आएगी, जब उसको बताऊंगा कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, एंड वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स कि कैसा रहेगा वो, तो जब लाइव जाएगा व्लॉग तब पता लगेगा, देखते हैं क्या कहती है। कहेगी तो यार बोलेगी कि हाँ सही है, क्योंकि वो काफ़ी पुश कर रही थी मुझे कि गो फॉर इट, गो फॉर इट। सो आई स्टार्टेड इट, आई एम नॉट श्योर कि मैं कैसा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, नए हैं भाई बिल्कुल ही, तो देखते हैं। भाई साहब को चलती गाड़ी में करना है ड्राइव, रोने लग गए, बताओ। हाय भाई लोग, सो आके मैंने एंस को लेके आया, उसके बाद ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, तो उसके बाद हम सो गए थे, अभी उठे हैं, चाय वाय पी के अभी एकदम रेडी हैं, मैं थोड़ा सा काम करूँगा, एंड जो वाइफ है वो कल वाले ब्लॉग से आएंगी ब्लॉग के अंदर, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा व्लॉग है, प्यारा सा व्लॉग है, पहला व्लॉग है, तो मैं इसको यहीं तक रखूँगा, फिर आप नेक्स्ट में देखना, हम सब साथ में आएंगे एक बार, ठीक है। टिल देन, बाय बाय।